हेलो एवरीवन वेलकम टू सेलेनियम ट्यूटोरियल अभी तक हमने देखा कि कैसे हम विंडोज या आई फ्रेम्स को हैंडल कर सकते हैं पर हमारे पास एक और चैलेंज है जिसको हम अलर्ट्स कहते हैं तो ब्राउजर में आपने कई बार अलर्ट्स देखे होंगे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ये एक ब्राउजर में मेरे पास एक बटन है ये मेरी कस्टमाइज एस है जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक अलर्ट देता है तो अगर मैं यहां पर इसे ओके करता हूं तो चल जाता है उसके बाद अगर मैं यहां पर ओके नहीं करूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहता हूं दूसरे ब्राउजर में दोबारा लोड करते हैं तो यहां पर ओके अलाउड है लेकिन यहाँ पर मैं और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसे ही हम यहाँ चेक करते हैं, एक क्लास बनाते हैं इसमें सेम मेन मेथड और हम इसको यहां से उठा लेते हैं सेम प्रॉपर्टी और सेम क्रॉम ड्राइव इसको मैं फिर से बता देता हूं हमने क्या किया यहाँ पे हमने मेन मेथड के अंदर कहा कि मेरा एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट है जो क्रोम ड्राइवर से इनिशियलाइज्ड है और ये वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है और इसमें पाथ है क्रोम ड्राइवर का exe का उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इस फाइल पे नेविगेट करो या ये मेरी लोकल पे है तो मैंने यहाँ पाथ दे दिया उसके बाद मैं क्या कह, कह रहा हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड बाय एलिमेंट बाय डॉट आईडी उस अलर्ट बटन की आईडी है अलर्ट डॉट क्लिक और अगर मैं इसके बाद कह रहा हूं कि मेरे को एक दूसरा बटन क्लिक करवाना है जिसकी आईडी है बटन वन यहां हम देख लेते हैं ये बटन वन है और ऐसी अगर मैं अलर्ट की आईडी देखू ये अलर्ट है तो जब मैं यहाँ पर इसे क्लिक करवाऊंगा तो मेरी अलर्ट क्लिक होने के बाद अलर्ट आ जाएगा और उसके बाद मेरी बटन वन क्लिक नहीं हो पाएगा क्लोज कर रहा हूं पुराने ब्राउजर को या नया ब्राउजर खुल गया और इसने अलर्ट दे दिया और इसने कह दिया एक्सेप्शन में अनहैंडल्ड अलर्ट एक्सेप्शन और उसे अलर्ट हैंडल नहीं हुआ और उसके बाद कोई भी ऑपरेशन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे ड्राइवर डॉट सॉरी स्विच टू अलर्ट और डॉट एक्सेप्ट इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अलर्ट को ओके okay कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं स्लीप लगा देता हूं बस ताकि हमें पता चले कि हमने एक्सेप्ट किया है तभी वो गया है और इसे रन करेंगे पुराने ब्राउजर को क्लोज कर दिया ब्राउजर खोला यहां पर ब्राउजर लोड होने के बाद वो क्लिक होगा और यहां पर उसने क्लिक करने के बाद अलर्ट लोड कर दिया अब 10 सेकेंड के स्लीप के बाद ये अलर्ट अपने आप चला जाना चाहिए ये अलर्ट चला गया और हमने जो न्यू ब्राउजर विंडो को क्लिक करने के लिए कह रखा था वो उसने यहां पर जो हमने कह रहा था वो क्लिक कर दिया पर ये हमारा जो अलर्ट है अगर आप यहां देखेंगे इसमें सिर्फ ओके है इसको मैक्सिमाइज यहां सिर्फ ओके है तभी हमने इसको यहां पर कहा कि एक्सेप्ट करो लेकिन कुछ अलर्ट्स में ओके और कैंसिल दोनों होते हैं तो हम उसको कहेंगे यहां डिसमिस करने को ऐसे ही अगर आपको कुछ डेटा सेंड करना है तो आप सेंड कीज भी कर सकते हैं वेट भी करवा सकते हैं ऑथेंटिकेट करना है जैसे क्रेडेंशियल्स का अगर आपने ऑब्जेक्ट पास हुआ है और ऑथेंटिकेट करना है उसको तो आप ये भी पास कर सकते हैं तो ये हमने देखा कि कैसे हम लोग कैसे अलर्ट को यूज करके ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट को यूज करके कैसे अलर्ट्स को हैंडल कर सकते हैं और हमने ये भी देखा कि अगर हमने उसको accept की जगह कैसे डेटा करना, करना है तो वो कैसे सेंड होगा तो हमने आई फ्रेम्स विंडोज और अलर्ट सबको हैंडल कर लिया ऐसे ही अगर आप पॉपअप्स को हैंडल करना चाहते हैं वो भी सेम तरीके से होते हैं पॉपअप्स या टैब्स जिसमें आप सिंपल विंडोज को यूज करते हैं उसके केस में ना कि अलर्ट्स या आई फ्रेम्स को अगर आपने कुछ भी विंडोज के अंदर किया है तो आप यहां पर विंडो यूज करके पॉपअप को भी हैंडल कर सकते हैं या फिर अगर आप कहें कि आपने टैब्स को हैंडल करना है, तब भी आप ऐसे हैंडल करेंगे तो ये आप बस यहां पर नाम देंगे जो भी आपने टैब या विंडो को हैंडल करना है तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू